नमस्कार, मेरा नाम शालू श्रीवास्तव है और मैं कथक एक्सपोनेंट हूँ दिल्ली से। काफ़ी सालों से इस नृत्य जगत में काम कर रही हूँ, बहुत सालों से इसको सीखा और सिखा भी रही हूँ और आज भी सीख रही हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में सीखना तो कभी ख़त्म नहीं होता है। कला तो एक सागर की तरह है और हम उसमें से कुछ बूंदें ही ले पाते हैं। एक जन्म में तो हमें कुछ उनकी बूंदें ही मिलेंगी, है ना। तो फिर भी सीखना कभी भी ख़त्म ही नहीं होगा, वो ज्ञान हमको पूरा कभी मिल ही नहीं पाएगा। इसलिए हम जितना कोशिश करते हैं ज्ञान हम प्राप्ति में, ज्ञान की प्राप्ति में हम लगे ही रहते हैं। इतने साल सीखने के बाद इतने गुरु लोगों से ज्ञान की प्राप्ति करी, कभी कहीं किसी गुरु से कुछ लिया, किसी गुरु से कुछ लिया। लखनऊ घराने के साथ साथ जयपुर घराने की भी काफ़ी सालों तक शिक्षा ली। आज भी मैं पंडित बिरजू महाराज जी और विदुषी सरस्वती सेन दीदी से कुछ ज्ञान की प्राप्ति करती रहती हूँ। काफ़ी देश विदेशों में अपने नृत्य का परफॉर्मेंस दिया है और काफ़ी सारे अवार्ड्स भी अचीव करे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि आप जब परफॉर्म करते हो और आपको लोगों का इतना प्यार और आशीर्वाद मिलता है। तो बस इसी कोशिश में लगी रहती हूँ कि कुछ अच्छा इस कथक के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम करती रहूँ, कुछ अच्छे अच्छे क्रिएटिविटी करती रहूँ, अपने काम को और निखारती रहूँ, आगे बढ़ाती रहूँ। पूरे देश में, दुनिया में हमारे इस क्लासिकल डांस को और स्प्रेड कर सकूँ। तो मेरा बस आप लोगों से यही कहना है कि आज हमारा देश, ये संसार जिस महामारी से एक जंग लड़ रहा है और उस जंग को जीतने के लिए हमारे डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, नर्सेस, सफाई कर्मचारी पूरा मेहनत से लगे हुए हैं, तो हमें उन सबको सहयोग देना है, क्योंकि हम सबके सहयोग से ही इस जंग से जीत सकते हैं। और इस लॉकडाउन में जैसे कि हम लोग आर्टिस्ट हैं, तो हमारा तो सिर्फ यही मकसद होता है कि जब भी हमको टाइम मिले तो हम इस कला की पूजा में ही लगे रहें, क्योंकि ये कथक मेरे लिए सिर्फ एक नृत्य नहीं, मेरी पूजा है, मेरी साधना है। तो मुझे जितना भी टाइम मिलता है मैं अपना वो टाइम अपने रियाज को ही देती हूँ कि इसमें मैं और कितना इसको मैं और क्रिएटिव बना सकूँ, कितना और इसको निखार सकूँ, तो बस वही मेरा प्रयास रहता है। तो बस आप लोगों को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी अपनी कला को निखारने का ये एक मौका है, तो इसको सदुपयोग करके बस अपने इसी कला को आगे बढ़ाने में ही आप लोग सब लगे रहें। धन्यवाद। मैं आप लोग के सामने ठुमरी प्रस्तुत कर रही हूँ। इसको सिर्फ मैं भावों के द्वारा ही दिखाऊंगी। इसको पंडित बिंदादिन महाराज जी ने लिखा है और कोरियोग्राफ मेरे गुरु पंडित बिरजू महाराज जी ने किया है।
हैं।